हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइड में जो एडिटोरियल आया है ये आया है बेसिकली सेक्शन 377 के बारे में। तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि गवर्नमेंट इसमें नया एक्ट वगैरह बनाने की बात कर रही है, क्या संशोधन कर रही है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो इशू चल रहा है अभी उसके बारे में आया है, तो उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और यूजीसी वाला जो इशूज है, सारी बातें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पे फिर जो ये आर्टिकल है ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये जो क्लास सत्यार्थी हैं उनके द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट आए हैं, मॉब लिंचिंग का पॉइंट भी डिस्कस किया गया है, सोशल मीडिया का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसके साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात भी यहाँ पे आ जाती है। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस को लेकर है, तो दो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे जो आर्टिकल है, आज आपको पता है फ्राइडे है, तो फ्राइडे को ये आर्टिकल आता है यहाँ पे, तो इसमें हाँ ना और जो कॉम्प्लिकेटेड वाले पॉइंट है वो यहाँ पे हैं। तो आज का टॉपिक है वो ये है कि पेड़ों को काट के और जो डेवलपमेंट किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो एक मास्टर कह रहे हैं हाँ सही है, दूसरे कह रहे हैं ना और तीसरे कह रहे हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, नीचे के दोनों आर्टिकल कुछ काम के नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया है उसके काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि उनको अभी नोबेल प्राइज वो मिला था, तो एक बार उनके लिए जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। उनका एक फाउंडेशन भी है, एनजीओ चलाते हैं वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस आर्टिकल में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट है अभी व्हाट्सअप को जिम्मेदार ठहरा रही है कि भाई व्हाट्सअप की वजह से सारे इशूज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी हो रही है, लोगों की मॉब वायलेंस मतलब जो भीड़ है वो लोगों की हत्या कर देती है, कौ प्रोटेक्शन की चाहे बात देख लो, चाहे तमिलनाडु का इशू देख लो कि वहाँ पे वुमेन के ऊपर आरोप लगा था कि भाई वो एक्चुअली एक अफवाह फैल गई थी कि वुमेन है वो बच्चों का किडनैप वगैरह कर रही है, फिर उनकी हत्या वगैरह कर दी गई। मतलब यहाँ पे क्या कि मॉब वायलेंस या बोलते हो कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। राइटर का ऐसा कहना है इनके द्वारा कि देखो ऐसा नहीं है कि सारा काम गवर्नमेंट का ही है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, हमें भी सोसाइटी के लिए सोचना होगा, क्योंकि सोसाइटी हम लोगों से ही मिलकर बनी है, सोसाइटी कोई अलग से नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं कि गवर्नमेंट ही करे, वो अलग बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं, बट हमारे फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ हमारे नैतिक कर्तव्य भी तो कुछ है ना, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। हर बात पर हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना या फिर आप बोल सकते हो कि व्हाट्सअप या सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराना कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है वो कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप और सोशल मीडिया जैसी चीज़ें इनको तो हम ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम जैसी डायरेक्शन इनको देंगे वैसा ही रिजल्ट हमें सामने मिलने वाला है। राइटर कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी आगे आना होगा। बात करी जा रही है यहाँ पे बच्चों के लिए कि देखो आज के टाइम पे बच्चों के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है, चाहे आप मदरसे का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप स्कूल का ले लो, चाहे आप मंदिर का ले लो, बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है। जगह जगह हम न्यूज़ देखते हैं आजकल कि बच्चों के साथ मदरसे में रेप किया जा रहा है, बच्चों को वहाँ पर अपहरण किया जा रहा है मंदिर वगैरह से, तो मतलब बच्चों की सेफ्टी कहीं भी है नहीं, और इसके लिए स्टेप हमें उठाने होंगे, क्योंकि हमें ही अवेयर रहना होगा और हमें ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि सोसाइटी हम लोगों से ही मिलकर बनी है। एक आंकड़ा दिया गया है, कुछ इस डाटा का आप कहीं यूज़ कर सकते हो बेसिकली, या तो एसे राइटिंग वगैरह में या फिर कि आंसर राइटिंग में, कि देखा जाए तो इंडिया में हर एक घंटे में एक बच्चे का अपहरण होता है, और देखा जाए तो हर एक घंटे में चार बच्चों का सेक्सुअल हरासन में आप बोल सकते हो कि सेक्सुअल असल्ट है वो उनको किया जाता है, मतलब सेक्सुअल टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर किसी भी तरह के काम हो, मतलब चाइल्ड असल्ट की बात यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। मतलब बात यहाँ पे है कि फियर है, जो डर है बच्चों में वो बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम करना है तो इसके लिए स्टेप तो हमें उठाने होंगे, सोसाइटी को आगे आना होगा। ऐसा थोड़ी कि बिना सोसाइटी के सब कुछ और लोग कर लेंगे या गवर्नमेंट कर लेगी, गवर्नमेंट भी तो जब हम लोग सोसाइटी या आप बोल सकते हो कि सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो ह्यूमैनिटी की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, वो धरी की धरी रह गई है, काफ़ी नीचे चली गई है। आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में दो दो साल के बच्चे के साथ रेप हो किए जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, सेफ्टी उनकी कहीं भी सिक्योर नहीं है। इवन स्कूल में देख लो आप, स्कूल में उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस सामने आते हैं, मंदिर वगैरह में मस्जिद वगैरह में उनको टॉर्चर किया जाता है, वहाँ पर उनको असल्ट किया जाता है, तो मतलब उनकी सेफ्टी हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि वही हमारे देश की आप हो सकते हो कि हमारे वर्ल्ड के ऑल ओवर के आप एग्जाम्पल सकते हो कि वो फ्यूचर है वहाँ, तो इसलिए उनकी सेफ्टी हमें ही करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करना होगा। इसके साथ ही सबसे अहम बात है कि जहाँ भी कमी है वहाँ पे हमें रिफॉर्म लाने होंगे। आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से गवर्नमेंट है वो नए कानून वगैरह नहीं बना पा रही है ताकि बच्चों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर ही थोप दें,
जैसा हम चाहेंगे, डेमोक्रेटिक सरकार होती है आपको पता है, तो डेमोक्रेटिक सरकार की नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जैसा चाहेंगे सरकार वैसा ही करेंगी, तो हमें ही कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म या कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिसके वजह से गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रॉन्ग कानून बना सके ताकि बच्चों की सेफ्टी है उसको सिक्योर हो किया जा सके। देखो ये आज की ऐसी बात है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइटर ने वैसे काफ़ी दो तीन एग्जाम्पल भी दिए हैं जगह जगह के। इन्होंने कठुआ रेप केस का भी एग्जाम्पल दिया है कि देखो कठुआ रेप केस हुआ, उसमें लोगों ने केवल एक डायमेंशन देखी कि बच्ची थी वो जानवरों को चरा रही थी और उस टाइम पे उसके साथ रेप हुआ, बट किसी ने ये नहीं देखा कि वो 8 साल की बच्ची जानवर क्यों चरा रही थी, वो स्कूल में क्यों नहीं थी उस टाइम पे। क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी ना कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करा जाए, तो बच्ची उस टाइम पर जानवरों को चराने की बजाय स्कूल में होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम भी तो इस चीज़ में पीछे ना, हमने दूसरी डायमेंशन को देखा ही नहीं है। हमें वो भी देखना चाहिए कि हाँ गलती है, कोई बात नहीं है, गलती को एक्सेप्ट करें, उसको सुधारना है, बट हमें उन चीज़ों को दूर करना होगा। आखिर कब तक हम हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ यहाँ पर देते रहेंगे, हमारी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें जो स्ट्रॉन्ग कानून है वो बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ अहम बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रशासन या जो भी डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड हो, जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, उसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो उनके लिए प्रॉपर ढंग से काम करें, लॉ एंड ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएँ। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी केसेज आते हैं, तो उनका एक तरीके से बिना पॉलिटिकल मजाक बनाए हुए उनका सही ढंग से यूज है वो किया जाए और उनको प्रॉपर उचित सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो राइटर के द्वारा काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तो उन पॉइंट्स का हम यहाँ पे यूज है कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन के बारे में, तो इसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अभी आपको पता है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं वो हमारी इंडिया विजिट पे आए हुए थे, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया कि अभी काफ़ी सारे एग्रीमेंट वगैरह एमओयू वगैरह साइन हो किए गए, बट यहाँ पे राइटर हैं वो दो तीन इकोनॉमी के नज़रिए से डायमेंशन वो दे रहे हैं। राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई गवर्नमेंट, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट हो कोरियन गवर्नमेंट, दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हो, दोनों को जितने अच्छे रिलेशन रखने चाहिए थे ना इकोनॉमिक रिलेशन, उतने अच्छे रिलेशन है नहीं। फिर यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देखो देखा जाए तो एशिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, और बात करें एशिया के अंदर साउथ कोरिया की तो साउथ कोरिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब दोनों काफ़ी एक तरीके से इक्वल सी इकोनॉमी है, फिर भी दोनों के बीच में ट्रेड बहुत कम है। ट्रेड कम क्यों है, इसके पीछे हमें रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा, इसके साथ ही टूरिज्म वगैरह और भी सेक्टर हैं, और भी डायमेंशन हैं, उनके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। फिर बात की जा रही है कि देखो अभी देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, पहले फ्रांस को भी इंडिया ने भी पीछे छोड़ा है, नहीं पहले फ्रांस था 6 नंबर पे, अभी इंडिया आ गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को हमें मिल रही है कि इंडिया लगातार ग्रोइंग कर रहा है, और अभी देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब इंडिया लगातार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे मामले में हमें इकोनॉमी या ट्रेड रिलेशन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने होंगे। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के देखो हालात कुछ इंडिया जैसी हैं, सिमिलरिटी पड़ोसी किसी भी काम के नहीं है, जैसे देख लो इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो, साउथ कोरिया के जो पड़ोसी हैं नॉर्थ कोरिया उनको देख लो। अभी तो खैर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बातचीत चल रही है, बट फिर भी आपको पता है कि पड़ोसी का काफ़ी बड़ा इशू आ रहा है, मतलब दोनों कंट्रीज़ की सिचुएशंस हैं वो दोनों कुछ हद तक सिमिलर हैं, बट हमें फिर भी और भी तरह के रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे। हमारे देश में देखो जो कोरियन कंपनी है वो ढंग से अपना बेस है वो तैयार नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू चलता रहता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट वो प्रॉपर माहौल नहीं तैयार करके दे रही है। इसके साथ ही बात करें लैंड रिफॉर्म और लैंड एक्विजिशन, मतलब भूमि अधिग्रहण का बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, क्योंकि लैंड है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है कंपनी को, कई बार एनजीओ है या पॉलिटिकल गेम में वो खेले जाते हैं, इसकी वजह से नई कंपनियां वो इंडिया में स्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं, और उसी के खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हद तक नुकसान है वो होता है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो हमें लैंड रिफॉर्म करने होंगे, इसके साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमें काफ़ी सारे स्टेप उठाने होंगे, और हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन लाना होगा। ऐसा नहीं कि हमने रीजन देख लिया कि अच्छा अच्छा ये दिक्कत है फिर भी हम आँख बंद करके सो रहे हैं। इसके साथ ही हमें इन्वायरमेंट है बिजनेस के लायक वो तैयार करना होगा, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस है माहौल है वो तैयार करना होगा, वर्ल्ड के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हमें हमारे स्टैंडर्ड हैं वो तैयार करने होंगे। इसके साथ ही हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको मल्टी डायमेंशन हमें देनी होगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं कुछ पर हम भरोसा कर सकते हैं कुछ पर नहीं कर सकते, सेम हुई केस है साउथ कोरिया के साथ। तो हमें दोनों को हमारी सिचुएशन समझते हुए जो भी हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उनको हमें मद्देनजर रखते हुए हमारी रिलेशन है या मल्टी डायमेंशन है फॉरेन पॉलिसी को अंजाम है वो देना है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आईपीसी सेक्शन 377 के बारे में। देखो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि अभी आईपीसी इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 377 है वो कहता क्या है, पहले तो वो देखते हैं।
आईपीसी की धारा 377 है, उसका ये कहना है कि सेम सेक्स है अगर उसके बीच में कोई भी रिलेशन होता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काउंट है, वो किया जाता है। क्योंकि अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले ही दो जजों की बेंच थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आईपीसी के सेक्शन 377 है वो वैलिड है। मतलब अगर कोई भी सेम सेक्स है, चाहे लड़का लड़के लड़का लड़का में सेक्स हो रहा है या फिर आप लड़के लड़की में कोई भी रिलेशन हो रहा है, सेक्सुअल किसी भी तरीके के रिलेशन हो रहे हैं, वो सारे सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बेसिकली यहाँ पे काउंट है, वो किए जा रहे हैं। तो राइटर अभी कह रहे हैं, देखो अभी ये जो केस है, सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आई थी, स्वामी जजमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से आर्टिकल में बात है कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है। तो देखो यहाँ पे एक तो आपको पुट्टा स्वामी जजमेंट है वो ध्यान रखनी है कि पुट्टा स्वामी जजमेंट में डिसाइड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है। तो राइटर का यह कहना है कि देखो कोई भी अगर दो सेम सेक्स है अगर उनके बीच में किसी भी तरह के रिलेशन हो रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की या बाकी और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको छेड़े या उनको डिस्टर्ब करें, कि वो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो उसके अंतर्गत आ जाता है, दो लोग एक कमरे में कुछ करें या कहाँ भी कुछ भी करें तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट या कोई और उसके उनके मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि देखो अभी पांच जजों की बेंच वो बनाई गई है, क्योंकि देखो आपको पता है कि पहले दो जजों की बेंच थी आईपीसी के लिए, उसने ये कहा था कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगी अगर सेम सेक्स में कोई भी रिलेशन वगैरह हो रहा है तो अभी पांच जजों की बेंच बैठी है और वो अभी नया डिसीजन लेके आएगी। क्योंकि देखो अभी नए डिसीजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी आज जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू प्राइवेसी उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है। तो अगर दो लोगों के बीच में या दो सेम सेक्स के लोग हैं अगर उनके बीच में कोई भी तरह का रिलेशन बन रहा है तो वो उनका पर्सनल या प्राइवेसी इश्यू प्राइवेसी है, उनकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाता है। इसलिए अभी नई बेंच बनाई गई है ताकि इसका नया निर्णय आ सके कि भैया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगी या नहीं होगी, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो हमें वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के मुताबिक हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं वो तैयार करने होंगे। बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस तरह की सेम सेक्स में कोई भी रिलेशन वगैरह होता है उसको वैलिड कर रखा है, तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार या कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई भी पावर नहीं है। दो लोग क्या कर रहे हैं बंद कमरे में उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं करना चाहिए। तो राइटर के द्वारा यही उम्मीद की जा रही है कि देखो जो आईपीसी की धारा 377 है उसको अभी पाँच जो कि बेंच है उसके द्वारा चेंज करना चाहिए और इसको एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करार देना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, उसी के पक्ष में यहाँ पे दो तीन जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे देख लिए। देखो एक चीज आपको पता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो मिनिमम पांच जजों की बेंच बैठती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो तो उसमें मिनिमम पांच सदस्यों की बेंच होती है। उसके बाद प्रोसीजर ये होती है, अगर कोई भी निर्णय होता है, ये मान लो कि पांच जजों की बेंच का कोई डिसीजन है, अगर उस डिसीजन को पलटना है हमें तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें कम से कम छः जजों की बेंच, सात जजों की बेंच है वो बैठानी होगी। मतलब पाँच से ज़्यादा जजों की बेंच है वो बैठेगी तभी वो निर्णय पलटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि पाँच ने निर्णय दे दिया उसके बाद हम तीन जजों की बेंच बैठा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। अगर पांच जजों की बेंच ने निर्णय दे दिया है उसके बाद अगले छह सदस्यों की बैठेगी या सात सदस्यों की बेंच है वो बैठती है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि पुट्टा स्वामी जजमेंट थी जो राइट टू प्राइवेसी थी, इसमें कितने जजों की बेंच थी। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट केस बन जाता है पुट्टा स्वामी जजमेंट वाला, तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें वो यहां पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नई बॉडी बनाई जा रही है यूजीसी की जगह या यूजीसी को शिफ्ट करके। बेसिकली इसका काम क्या होगा, इसका दो काम होंगे, एक तो यूनिवर्सिटी वगैरह को ग्रांट या पैसा वगैरह देना, इसके साथ ही उनकी हालत है उनके अकेडमिक स्टैंडर्ड वगैरह वो तैयार करेंगे, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस भी किया कि इसकी ज़रूरत क्यों है। देखो यूजीसी काफ़ी पुरानी बॉडी है इसलिए आज के टाइम पे उसकी जो बोल सकते हो कि एजुकेशन की जो डिमांड है वो चेंज हो गई है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट है वो यूजीसी को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से शिफ्ट या कर रही है, ये हमें ध्यान रखना है। बट यहाँ पे मुद्दा आता है, अभी दो दिन पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पे छह इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो जारी की थी, जिसमें तीन इंस्टीट्यूट थे वो थे गवर्नमेंट के, एक तो आईआईएससी बेंगलोर, एक आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, और तीन थे प्राइवेट, कौन कौन से थे, एक तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा मणिपाल एजुकेशन अकेडमी और तीसरा था जियो इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र। तो ये तीन थे प्राइवेट और ये थे तीन थे गवर्नमेंट, हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे कि इशू क्या है। देखो आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का सीधा मतलब ये है कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट है ना, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको वर्ल्ड लेवल पे तैयार किया जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो वर्ल्ड के टॉप जो इंस्टीट्यूट आते हैं उसके अंदर टॉप 100 में इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान किया कि यार क्यों ना क्यों एचआरडी मिनिस्ट्री की हेल्प से हम ऐसी क्वालिटी वगैरह या ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसे अकेडमिक स्टैंडर्ड तैयार करें ताकि हमारे देश के भी इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप 100 में आ जाएं। और इसीलिए 20 इंस्टीट्यूट की लिस्ट वो तैयार की गई थी, जिसमें 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे 10 गवर्नमेंट थे, कि इस 20 इंस्टीट्यूट को अच्छे ढंग से डेवलप किया जाएगा, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है वो किया जाएगा ताकि वर्ल्ड लेवल में हमारे इंस्टीट्यूट वो काउंट हो जाएं।
ये था बेसिक फंडा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या 20 जारी करने थे, तो अभी 6 की लिस्ट ही पब्लिश की, जिसमें 3 प्राइवेट कर दिए, 3 गवर्नमेंट कर दिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राइटर का यहाँ पे इश्यू क्या वो देखते हैं। देखो राइटर की डायमेंशन यहाँ पर ये है कि जो इंस्टीट्यूट अभी 6 पब्लिश किए गए ना, ये सही नहीं है, क्योंकि इनकी जो क्राइटेरिया, जो पैमाना है, जो मापदंड आप बोल सकते हो, वो गवर्नमेंट ने ना तो पब्लिश किया और ना ही कोई उन्होंने रेफरेंस या आधार दिया कि इस आधार पर हमने इस इंस्टीट्यूट को भी सिलेक्ट है वो किया है। राइटर का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो क्राइटेरिया तैयार रखना चाहिए था ना भाई, HRD मिनिस्टर की कोई ना कोई तो जिम्मेदारी है ना कि वो बताए कि इस आधार पे हम इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया ही नहीं कि IIT दिल्ली को किस आधार पे सिलेक्ट किया है, IIT बॉम्बे को किस आधार पे हमने सिलेक्ट किया है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को किस आधार पे सिलेक्ट किया है, जियो इंस्टीट्यूट को हमने किस आधार पे या किस बेसिस पे हमने इसे सिलेक्ट किया है। क्योंकि देखो अभी आरोप ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट, वो राजनीति की तरफ यहाँ पे हस्तक्षेप वो देख रही है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप है वो यहाँ पे किया गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। तो राइटर के द्वारा ये कहना है कि देखो एक तो गवर्नमेंट को जो क्राइटेरिया है ना वो सामने लेके आना चाहिए कि इस आधार पर हम इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हम यहाँ पे फुलफिल आउट करेंगे। तो राइटर का बेसिकली इश्यू यहाँ पे ये है कि भाई जो मापदंड वगैरह ना वो ओपनली होने चाहिए, ताकि लोगों को सबको पता रहे कि भाई गवर्नमेंट इस आधार पर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रही है और इसमें ये रिफॉर्म है वो लेके आ जाएंगे। ऐसे अगर गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम ले लेगी तो इसका मतलब साफ साफ है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी एजुकेशन है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आज आपको बताया कि फ्राइडे है तभी एक आर्टिकल है कि पेड़ों को काटना और डेवलपमेंट क्या सही है नहीं, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो एक महाशय वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, पेड़ों को काट के डेवलपमेंट करना चाहिए, यह बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनका राइटर के द्वारा पॉइंट ये दिया जा रहा है कि देखो आज के टाइम पे इंडिया वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहना है, या इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट या नंबर वन पे इकोनॉमी रहना चाहता है, तो इंडिया को डेवलपमेंट करना होगा, और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेड़ों को काटना बिल्कुल सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। देखो सिटी की बात करें तो इनका ऐसा कहना है कि सिटी की ग्रोथ ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो GDP है उसमें 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिटी का ही है। तो इसलिए हमें सिटी पे फोकस ज़्यादा करना होगा और सिटी वाले एरिया में हमें डेवलपमेंट करना होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना होगा, इसलिए पेड़ों को काटा जाना कोई भी गलत नहीं है। फिर इनका ऐसा कहना है कि देखो जो पेड़ पौधे हैं उसको कैंपैक्ट के तहत हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। बाद में ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जरूरी है, इसीलिए जो पेड़ पौधे कट रहे हैं सिटी में उनको पास के एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बैलेंस है वो बना रह सके। इनके द्वारा ये पॉइंट है यहाँ पे दिए जाते हैं। अब नो वाले भाई साहब के क्या पॉइंट है वो देखते हैं। इनका ऐसा कहना है कि देखो भैया डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं है, बट इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सिटी का इन्वायरमेंट रहने लायक ही नहीं रहा तो डेवलपमेंट किस काम का, वहाँ पे एक पॉपुलेशन, वहाँ पे 2 लोग भी नहीं रह पा रहे हैं ढंग से, तो क्या मतलब हुआ। अगर डेली वो बीमार रह रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है ना कहीं ना कहीं, हमारी इकोनॉमी पे हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए इनका यह कहना है कि हमें क्लाइमेट चेंज है, इन सारे रीजन्स को देखना होगा, क्योंकि जो कैंपा की बात की जा रही है, जो कैंपा एफोरेस्टेशन फंड है, इसका भी सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कैंपा उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे का सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट जरूरी है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को भी फोकस करना होगा। इनके द्वारा देखो ये कहा जा रहा है कि जो एरिया काफ़ी खाली पड़ा है, बंजर एरिया पड़ा है, उस वाले एरिया में तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम सिटी के अंदर ही डेवलपमेंट करें। सिटी के आसपास वाले एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, खाली एरिया में, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, रूरल एरिया में तो डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि हम केवल सिटी में डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं। सिटी के आसपास वाले एरिया में डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पर रोजगार और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको भी बेनिफिट होगा, तो ऑल ओवर तो सभी लोगों को फायदा होने वाला है ना। तो इसलिए इनका तर्क ये दे जाता है। ये देखो ये कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, एग्जांपल ले लो आप, चलो दिल्ली का ही, कि अगर दिल्ली में अगर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं फिर आप उनको दूसरी जगह बो रहे हो, तो क्या फायदा हुआ दिल्ली के लिए, तो पोल्यूशन बढ़ गया ना, दिल्ली की समस्या का समाधान थोड़ी हो गया। और जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उनका क्या होगा, क्या पता वहाँ वो वैसे पेड़ पौधे रहे या नहीं रहे। क्योंकि देखो अगर जैसे पेड़ पौधे दिल्ली में इन्वायरमेंट में सूटेबल हैं, कोई जरूरत है कि वैसे ही पेड़ पौधे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पे सूटेबल होंगे, तो ऐसा थोड़ी है। इसके बाद में ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, अगर दिल्ली को क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप वहीं पर पेड़ काट रहे हो तो समस्या तो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर तो ध्यान देना होगा ना, क्योंकि ये भी तो काफ़ी अहम हो जाता है। देखो क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो दिल्ली को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसके साथ बाकी और सिटीज़ हैं और उनको भी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे बात ये की जा रही है कि देखो, अगर पेड़ पौधे गवर्नमेंट कह रही है कि हम कैंपा के तहत पेड़ पौधे दूसरी जगह लगा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैंपा के तहत यहाँ से जैसे दिल्ली से पेड़ काटे और उन्होंने यहाँ मान लो कि कहीं और मेरठ में पेड़ पौधे बो दिए, बट मेरठ में अगर पेड़ उन्होंने लगा दिए तो पेड़ लगाने से थोड़ी काम खत्म हो गया भी, उनकी देखभाल भी तो करनी पड़ती है ना, उनका मेंटेनेंस और भी तो खर्चे होते हैं ना। गवर्नमेंट क्या करती है, पेड़ पौधे लगाती है और पल्ला झाड़ लेती है, उसी से सोल्यूशन थोड़ी है। ये नहीं देखते कि बाद में कितने पेड़ पौधे वहाँ पर सक्सेसफुल रहे, कितने रहे हैं, 6,000 पेड़ काटे, 6,000 दूसरी जगह लगा दिए, सोल्यूशन थोड़ी हुआ उसमें। ये भी तो देखो आपकी वो पेड़ पौधे कितने टाइम में ग्रो कर रहे हैं, कितने की उनमें सही ढंग से ग्रोथ हुई है, कितने पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं। तो पेड़ लगाने से सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद भी हमें उन पे फोकस है वो करना होगा। और जो कैंपा में जो करप्शन बढ़ रहा है उसको हमें कम करना होगा, जो ट्रांसपेरेंसी है वो लेके आनी होगी, इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी हमें सिक्योर करनी होगी डेवलपमेंट के लिए, कि भाई अकाउंटेबल होना चाहिए डिपार्टमेंट ताकि अच्छे ढंग से काम है वो किया जा सके। इसके बाद में जो इक्वल या बैलेंस पॉइंट आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, उनका ये सब महाशय का कहना है कि देखो हमें एक मिड पाथ है वो लेके चलना होगा। हमारे लिए इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे लिए डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें पैरेलल साथ चलानी होगी। इसलिए हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे दोनों ही चीज़ों को फ़ायदा हो और दोनों के नुकसान यहाँ पे ना हो। इंडिया अगर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहता है तो बेसिकली हम मानते हैं कि इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट उस चीज़ की भरपाई करने के लिए हमें इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करना होगा। जैसे कि दिल्ली वाले एरिया में अगर पेड़ पौधे काट रहे हो तो हमें दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन लेना चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी या नई रिसर्च वगैरह करनी चाहिए कि जैसे जो बिल्डिंग वगैरह है उनके ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाएँ, सड़क के किनारे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब हमें कोई ना कोई तो ऑप्शन लेके आना होगा ना। अगर देखो, अगर हम दिल्ली से पेड़ पौधे काट रहे हैं तो हमें ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में पेड़ पौधे नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के अंदर पेड़ पौधे वो दूसरे एरिया में बढ़ाने होंगे। अगर ए जगह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो हमें रोड के किनारे पेड़ पौधे बढ़ाने होंगे, जो बिल्डिंग वगैरह है वो इस तरीके की तैयार करनी होंगी ताकि उन पर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकें। मतलब हमें इन्वायरमेंट की तरफ भी फोकस है वो करना होगा। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट का खाली लैंड पड़ा है, जो कोई भी बंजर भूमि पड़ी है, उस वाले एरिया पर भी हमें टेक्नोलॉजी वगैरह या रिसर्च की हेल्प से नए पेड़ पौधे लगाने होंगे, नए इस तरीके के प्लांट वगैरह तैयार करने होंगे ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट है वो कर सकें। तो राइटर के द्वारा एक कंप्लीट पॉइंट थे, काफी अच्छे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमने सारी डायमेंशन यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो ये तो थी आज की हमारी एडिटोरियल डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो पीडीएफ है वो नीचे आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक है वहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ ही आप फेसबुक का जो वेलकम यूपीसी का पेज है वहाँ से भी आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।